विश्वास हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। आज के वीडियो से हम लोग इंजन के फ्यूल सिस्टम की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में हम आईटीआई के सिलेबस के अनुसार इंजन के फ्यूल सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंजन का फ्यूल सिस्टम क्या होता है। इंजन में फ्यूल की यात्रा आरंभ होती है इंजन के फ्यूल टैंक से एवं यह यात्रा समाप्त होती है इंजन के कंबशन चैम्बर में। इस दौरान फ्यूल बहुत सारे कंपोनेंट्स में से होकर गुजरता है। डीजल फ्यूल सिस्टम के निम्नलिखित प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, फ्यूल टैंक, फ्यूल लिफ्ट पंप, फ्यूल फिल्टर, हैंड प्राइमिंग पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर, फ्यूल पाइप्स एवं ओवरफ्लो पाइप। पेट्रोल इंजन के फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स भी डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरह ही होते हैं, परंतु पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप का प्रयोग नहीं होता एवं पेट्रोल इंजन के फ्यूल सिस्टम में कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन उसके कंबशन चैम्बर में कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में होता है एवं पेट्रोल इंजन में हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण तैयार किया जाता है एवं इस मिश्रण का सक्शन इंजन के सक्शन स्ट्रोक के समय ही कंबशन चैम्बर में हो जाता है। इसलिए हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण तैयार करने के लिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आइए शॉर्ट में समझते हैं कि डीजल इंजन में फ्यूल का फ्लो कैसे होता है। फ्यूल टैंक में फ्यूल का स्टोरेज होता है। फ्यूल लिफ्ट पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचता है एवं उसे आगे पंप करता है। फ्यूल पाइप्स में फ्यूल का प्रवाह होता है। वैसे फ्यूल पाइप्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, लो प्रेशर लाइन एवं हाई प्रेशर लाइन। इनकी डिटेल्ड स्टडी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। फ्यूल फिल्टर में फ्यूल को साफ किया जाता है एवं उसमें उपस्थित गंदगी को फ्यूल से अलग किया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही मात्रा एवं सही समय पर फ्यूल को इंजेक्टर में भेजा जाता है। इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को ऑटोमाइज करके एक फुहार के रूप में कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कराया जाता है। हैंड प्राइमिंग पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब फ्यूल लाइन में फ्यूल नहीं चढ़ रहा हो। उस समय हैंड प्राइमिंग पंप को चलाने से फ्यूल टैंक से फ्यूल लाइन में पंप आ जाता है। इसका प्रयोग तब भी किया जाता है जब हमें फ्यूल लाइन से एयर ब्लीडिंग करनी हो। इसकी डिटेल स्टडी भी हम आगे वीडियोस में करेंगे। ओवरफ्लो लाइन के द्वारा फ्यूल इंजेक्टर से अतिरिक्त फ्यूल को वापस फ्यूल टैंक में भेज दिया जाता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल टैंक, फ्यूल लिफ्ट पंप, फ्यूल फिल्टर से होते हुए कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम में पहुंचता है, जहां पर उसका मिश्रण हवा से तैयार किया जाता है। हवा एवं पेट्रोल का यह मिश्रण सक्शन स्ट्रोक के समय इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करता है। आइए अब जानते हैं कि फ्यूल सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं या फ्यूल सिस्टम में कौन कौन से गुण होना चाहिए। फ्यूल सिस्टम का पहला कार्य है फ्यूल को सही क्वांटिटी में इंजेक्ट कराना। कंबशन चैम्बर में इंजन की रिक्वायरमेंट के अनुसार सही क्वांटिटी में फ्यूल को इंजेक्ट कराना एवं मल्टी सिलेंडर की स्थिति में प्रत्येक सिलेंडर में सही क्वांटिटी में फ्यूल को इंजेक्ट कराना फ्यूल सिस्टम का ही कार्य होता है। फ्यूल सिस्टम इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने वाले यानी इंजेक्ट करने वाले फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करता है एवं इंजन की आवश्यकता के अनुसार ही फ्यूल की मात्रा को इंजन सिलेंडर में इंजेक्ट होने देता है। फ्यूल इंजेक्शन की दर यानी फ्यूल इंजेक्शन रेट को नियंत्रित करना भी फ्यूल सिस्टम का ही कार्य होता है। इसके साथ ही फ्यूल को फुहार के रूप में बदलकर यानी फ्यूल को ऑटोमाइज करके इंजेक्ट कराना भी फ्यूल सिस्टम का ही कार्य होता है। फ्यूल सिस्टम का अगला कार्य है फ्यूल को सही समय पर इंजेक्ट कराना यानी फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को नियंत्रित करना। इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर के द्वारा एक नियत समय पर ही फ्यूल का इंजेक्शन होना चाहिए और यह कार्य फ्यूल सिस्टम ही नियंत्रित करता है। इसके साथ ही इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट कराने का कार्य भी इंजन के फ्यूल सिस्टम का ही होता है। फ्यूल सिस्टम के द्वारा ही AFR यानी कि एयर फ्यूल रेशो को नियंत्रित किया जाता है। फ्यूल सिस्टम फ्यूल के प्रेशर को भी मेंटेन करता है।
फ्यूल सिस्टम इंजेक्ट किए जाने वाले फ्यूल के प्रेशर को सही मात्रा तक बढ़ाता है एवं उसके बाद कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करता है। इसके साथ ही इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना भी फ्यूल सिस्टम के कार्यों के अंतर्गत आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।